लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं और लोगों को सब्जियों के लिए भी बड़ी लाइन लगानी पड़ती हैं तेज धूप में। लेकिन हम आपको आज ऐसे परिवार से मिला रहे हैं जो अपने घर की सब्जियां खा रहे हैं, अपने छतों पर ही ये सब्जियां लगा रहे हैं और ताज़ा सब्जियां इनको मिल रही हैं। ये है वीरेंद्र बापना, जो नगर परिषद उदयपुर के पूर्व उप सभापति रहे। इन्होंने अपने घर की छत पर ही किचन गार्डन बना रखा है। इस किचन गार्डन में कई तरह की सब्जियां इन्होंने बो रखी हैं, प्याज हो, भिंडी हो, आल हो, तुरई हो, टमाटर हो, सभी प्रकार की सब्जियां इन्होंने अपने इस किचन गार्डन में लगा रखी हैं। लॉकडाउन में जहां लोगों को सब्जी लेने में काफ़ी परेशानी आ रही है, वही ये परिवार आत्मीय सुख का अनुभव कर रहा है इस किचन गार्डन से। वीरेंद्र बापना का परिवार शुरुआत में तो चाहे इनके विरोध में रहा हो, लेकिन इनका परिवार आज इनकी मेहनत पर गौरव अनुभव कर रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये परिवार। वीरेंद्र बापना से ही हम बात करेंगे और इनके परिवार से भी बात करेंगे, लेकिन आप ये नज़ारा जो देख रहे हैं वो काफ़ी सुखद लग रहा होगा आपको भी, कि हमारे घर की छत पर ही ये सब सारा उपलब्ध हो जाए। आइए हम इस परिवार से बात करते हैं, किस तरह की खुशी का अनुभव कर रहे हैं और आम जन को ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते आज लोग कर्फ्यू में हैं या घरों में लॉकडाउन है। सब्जियों के लिए लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हैं और काफी सारी उनको परेशानी हो रही है। धूप में वो तप रहे हैं और मौसम की मार झेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने घरों में ही भविष्य का इंतजाम कर बैठे हैं। हम आए हैं उदयपुर नगर परिषद के उप सभापति रहे वीरेंद्र बापना के घर। आप यहाँ हमारे साथ में देखेंगे, इन्होंने अपने घर की छत पे ही पूरा किचन गार्डन लगा रखा है। यूं तो कई लोग फूलों के गार्डन लगाते हैं या और कई वनस्पति के लगाते हैं, लेकिन इन्होंने किचन गार्डन लगाया है। ये आप देखें, ये मिर्ची लगी हुई है और इधर भिंडी भी है और ये पूरा प्याज भी कभी सत्ता बदल देता है। और इन्होंने अपने घर पे ही ये प्याज लगा रखा है और आज इतनी महामारी का क्षण होने के बावजूद सब्जी के लिए ये अपने घर की चौखट पारने की है और घर में ही इन्होंने इंतजाम किया है। हमारे साथ में वीरेंद्र जी बापना है। बापना साहब, आप काफी खुश किस्मत हैं कि आपने कभी ये सोचा नहीं था कि इतनी कोरोना की महामारी होगी और इतना लोग सब्जी के लिए, एक मिर्ची के लिए लोग तड़फेंगे और लंबी लाइन में खड़े रहेंगे। आप क्या महसूस करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं। मैं तो बहुत अनुभव के साथ ये बात जानता हूँ कि आज जिस काम को मैं करता हूँ बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ जी। ताजी सब्जी लेते हैं हम परिवार के लोग, मैं मिसेज भी आती हैं, ऊपर बिटिया आती है, मैं तो अक्सर आता हूँ सवेरे शाम। आज तक तो पोत कभी बाजार में मिल जाया करती थी, मगर इस बार मुझे पोत भी खुद को लगानी पड़ी महामारी के कारण। पोत डेलीगेट पर गांव के लोग लेके आते थे और ये प्याज और ये जो पोत बैंगन मिर्ची टमाटर ये सब पोत गांव के लोग लाते थे, लेकिन इस बार मैंने खुद ने फिर पोत लगाई और 25 दिन में पोत तैयार हो गई। और पोत तैयार होने के बाद हमने ये सारा तैयार किया है। हम अपनी सब्जी रोज यहाँ से ले लेते हैं, हम परिवार में 3 लोग हैं
तो दो चार कभी तरोई होती है, कभी लौकी हो जाती है, बैंगन हो जाता है, हरा प्याज है, ये सूखा प्याज है, बड़ा प्याज है, अभी निकाला है, छोटा हरा प्याज भी है, और इस तरह करेला है, तरोई है, गलका तरोई है, ये सब सब्जियां करीब करीब मेरे यहाँ ग्वार की फली है, भिंडी है। बापना जी, ये सब सारा आप कितने समय से कर रहे हैं और किस रूप में आपने इनकी शुरुआत की थी? ये एक बहुत पहले मैंने कभी ये टब लिए थे ऑक्शन में जी, तब से मैं सोचता था इनका क्या उपयोग करें, और हमने बहुत समय तक ये पड़े रहे, फिर एक दिन विचार किया कि इसमें कुछ लगाए, तो पहले मैंने फ्लावर लगाए, नीचे मेरा छोटा फ्लावर गार्डन है जहाँ गुलाब, मोगरा, गुड़हल सब पेड़ लगे हुए हैं, फिर ये टब बहुत थे तो हमने खाद मिलाकर यहीं तैयार किया, गोबर का खाद लाए, थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ा कंपोस्ट लाए, और फिर सब टब में भर के सब्जियां लगाई। तो शुरू में तो बहुत तकलीफ होती थी, पर अब इन दिनों में कहीं जाने नहीं है तो सवेरे और शाम यहाँ आना, पानी पिलाना, छत पे घूमना, और अपनी चार दो सब्जी ताजी ले जाना और छोंक लेना, ये एक सिस्टम घरवालों ने बना रखा है। श्रीमती जी मेरी आती हैं तो नीचे वो फ्लावर के सारे प्लांटेशन को पानी पिला देती हैं, मैं ऊपर आता हूँ। आज सवेरे जैसे आया, अभी बाजार जाना मुश्किल है। आज का जो वातावरण है और ये प्याज की जो कहानी है बहुत पुरानी है। इस प्याज में सत्ता बदल गई, एक प्याज ने सारी सत्ता को हिला दिया, सरकार हिल गई और पुनः आज हम स्थापित हुए। तो मेरा तो मानना है कि यह वो प्याज है जो हर गरीब के घर में काम आता है, अमीर के घर में काम आता है, हर वक्त काम आता है, और मेरा एक शौक था इसलिए मैं इसे करता हूँ। मैं आज के दिन यही सोच करके 67 का हूँ और घर में रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उम्र की सीमा बांध दी, कितने लोग इस उम्र के लोग घर में रहें, काम करें, घर से बाहर नहीं जाएं, तो मुझे तो 2 माह करीब करीब हो गए, आज तक तो घर से बाहर जाने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है जी। आज के समय में जब सारा वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि मेरा ये संदेश है जनता को कि आत्मनिर्भर बने, अपने घर में बहुत छोटी सब्जी का काम है, मैंने तो बहुत लगा दिया, बाकी बहुत थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तब भी अपने परिवार का काम तो चल जाएगा, क्योंकि आज के परिवार छोटे परिवार हो गए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। सबसे जनता से निवेदन करते हुए कि आत्मनिर्भरता का यह भी एक अच्छा उदाहरण सबके सामने रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पालन करें, और इस देश के विकास में और इस महामारी से जिस तरह से हम परेशान हो रहे हैं उसे निजात पाने के लिए हम प्रधानमंत्री के हर बातों का सहयोग करें, यही मेरी इच्छा है जी। बताएं क्या कहना है। नमस्ते सभी को। पापा ने ये शुरुआत करी थी बहुत साल पहले, मतलब आज कोरोना के टाइम नहीं, बहुत साल 5-6 साल पापा को ये काम करते हुए हो गया है। पापा ने शुरुआत अपने शौक से करी थी कि हाँ मुझे धनिया लगाना है, धनिया से पापा ने शुरुआत करी, और आज हमारा पूरा एक किचन गार्डन तैयार हो चुका है जिसमें खूब सारी सब्जियां लग रही है, करेला, बैंगन, टमाटर, लौकी, तरोई, फली, भिंडी, बहुत चीज़ें लग रही है। तो उस टाइम मैं जब पापा से पूछती थी पापा क्या कर रहे हो, पापा बताते थे मैं अपने शौक से कर रहा हूँ, बट उस टाइम हमें उसकी कीमत नहीं पता थी। बट आज इस स्थिति में जब हम बाहर जा नहीं सकते, मेरे फ्रेंड्स, मेरे परिवार के लोग लाइन में लगे हुए हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह, आज मुझे मेहनत इनकी पता चली पापा की, कि आज हम कहीं लाइन में लगने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में ही मम्मी पापा सुबह शाम सुबह तोड़ के फली ले आते हैं, हम लोग बना के खा लेते हैं। तो हमें इस तरह हमें बाहर जो कोरोना महामारी चल रही है हमें अभी उसमें हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। और मैं धन्यवाद करूँगी जो पापा ने हमें सिखाया है, जो मैं पुरखों हमें सिखा रहे हैं, शायद हमें सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है मेक इन इंडिया, तो वही बात आज पापा ने हमें सिखाई है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही हमें खानी चाहिए, क्योंकि इस महामारी के चलते हुए जब बाहर सब्जियां हम लेते हैं तो वो कहीं हाथों में कहीं कोई हाथ बहुत हाथ लगते हैं उस सब्जियों में, जो आज शायद तक मेरे पापा खाली एक तोड़ के ला रहे हैं वो भी एकदम साफ़ सफाई से काम करते हुए। तो इस चीज़ को आज हमें पता चला है कितनी कितनी मेहनत करी है मेरे पापा ने इन 5-6 सालों में। यही कहना चाहती हूँ कि भाई ये मेहनत करते हैं तो पूरी सब्जियाँ हमको ताज़ा ताज़ा मिल जाती है, और लॉकडाउन ने हमको ये भी सिखा दिया कि पूरी तरह
इसकी जिम्मेवारी आ गई और पूरी तरह से इसकी देखभाल होने लग गई। बाबा जी एक बात बताए कि आपके आस पड़ोसी होंगे जो सब्जी के लिए लाइन लगाकर और फिर खड़े रहते हैं और काफी तपती धूप में खड़े रहते हैं, फिर उनको सब्जी मिलती है और आप गेट खोल के छत पे ही सब्जी प्राप्त करते हैं, क्या सुकून महसूस करते हैं आप? बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब यहाँ से जैसे कल ग्वार की फली तोड़कर नीचे ले गए और हाथ में छोंक दी, इतनी ताजा सब्जी, भिंडी ले लीजिए, बैंगन ले लीजिए, इतना ताजा होता है कि उसको खाने का भी आनंद आता है और बनाने वाले को नीचे भी लगता है कि बहुत ताजी सब्जी आई है। कहते हैं कि पानी आने के पहले पाल बांधना हमारे पुरखों ने सिखाया है, लेकिन जिन्होंने पाल नहीं बांधी उनका पानी तो बह ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने पाल बांध दी है उनको भविष्य में हरा बगीचा मिलेगा, हरियाली मिलेगी, उनको पानी आजीवन मिलता रहेगा। इसी तरह से हम भी अपने घरों में कुछ ऐसा हमारी पीढ़ी के लिए कर जाएं कि उनको आजीवन उसका फल मिलता रहे। ऐसे ही हम और परिवार से मिलाएंगे, लेकिन पहले ये संदेश कि अपने जीवन में कुछ ऐसे रंग भर दो कि जिनसे आने वाली पीढ़ी बेरंग नहीं रहे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। धरती